हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कैपलस लॉज ऑफ मोशन, कौन से, प्लेनेटरी मोशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का। तो डिस्कस करते हैं भाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत बड़ा सा है यार नाम तो, यूनिवर्सल मतलब कभी बदलने वाला तो है नहीं, है कि नहीं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन यूनिवर्सल क्यों, इसका मतलब इस ये जो आप देखो लोग क्या काम करते हैं, इस ये जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताने के लिए न्यूटन का, जस्ट डायरेक्टली क्या काम करते हैं, एप्पल ट्री से एप्पल गिराते हैं और बोल देते हैं बस वहीं से ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये लॉ आ गया था। सच्चाई ये है कि न्यूटन ने ये जो लॉ दिया है इसके पीछे बहुत वजह है। ये लॉ को देने के लिए उसके दिमाग में यही ख्याल आया भाई कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो नीचे गिर रहे हैं, हाईवी वाला भी हो तब भी वो पहले नहीं गिर रहा है, आखिरकार क्या वजह है, उसके पीछे इनर्शिया है भाई। किसने बताया था, गैलीलियो गैलीली ने। तो न्यूटन ने कहीं ना कहीं गैलीलियो गैलीली को पढ़ा और गैलीलियो से इंस्पायर्ड हुए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हैवी ऑब्जेक्ट है आखिरकार उसके अंदर क्या चीज हो रहा है, हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीज हो रहा है कि वो, और वो जो है सेम टाइम में गिर रहा है लाइटर ऑब्जेक्ट के साथ, आखिरकार क्या हो रहा होगा, उसके मतलब हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कम फोर्स लग रहा होगा, ताकि जो उनकी जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बराबर हो जाए, एक साथ जमीन पे पहुंचे। तो हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा मास होगा, हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उन्होंने ये बात जो है देखा कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा फोर्स लगेगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है उनके पास कम फोर्स लगेगा। ये जो है ये बात गैलीलियो गैलीली ने पहले बता चुके थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसके लिए लॉ दिया, कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ यार, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और उसमें इन्होंने बताया कि अगर जिसका मास ज्यादा है उसको एक्सेलरेट ज्यादा कराने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। तो एक्सेलरेट ज्यादा कराना है, मान लो एक हल्की ऑब्जेक्ट है, एक हल्का है और एक बहुत भारी है, दोनों को साथ में चलाना है तो भारी वाले को ज्यादा ताकत देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला यार यानी जो है जो भारी ऑब्जेक्ट होता होगा उसके पास ज्यादा, मैसिव ऑब्जेक्ट हैज मोर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने ये बात बताया, ठीक है। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया गैलीलियो को लेकर कि भाई जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसके पास ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो उसके मतलब अगर मून, अर्थ और सन की बात करें तो सन का मास ज्यादा है तो सन के पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके बाद अर्थ के पास, मून का मास कम है अर्थ के कंपेयर में तो उसके पास कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो फोर्स कम लगेगा इसकी वजह से उनकी जो एक्सेलरेशन है वो बराबर रहेंगी, ठीक है। तो उन्होंने ये बात तो बताया भाई, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में यह ख्याल आ गया कि ठीक है सन के पास ज्यादा मास होने की वजह से उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है तो भाई अर्थ को खींच क्यों नहीं ले रहा है, फिर मून को क्यों नहीं खींच ले रहा है, तो फिर अर्थ जो है मून को क्यों नहीं खींच ले रही है, क्योंकि अर्थ के पास बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल जो है फोर्स है, बहुत बड़ा मास है, तो बड़ा मास होने की वजह से ज्यादा फोर्स है, तो ज्यादा फोर्स होगा तो उसको खींच लेना चाहिए जैसे एप्पल को खींच लेती है अर्थ। तो सवाल ये उन्होंने देखा कि नहीं, बात पूरी तो कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी वजह है। तो उन्होंने सोचा नहीं, ये जो मून है वो अर्थ की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, क्यों नहीं खिंच जा रहा है, क्योंकि सबसे पहला वजह है उसकी दूरी। उन्होंने देखा कि भाई जब दूरी ज्यादा बढ़ जाएगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो उन्होंने देखा भाई दूरी बढ़ाने, यही वजह है मून जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है और जो हमारा जो सन है वो अर्थ से काफी ज्यादा दूर है, तो सन और अर्थ की दूरी ज्यादा होने की वजह से उनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, भले ही से उसका ग्रेविटी ज्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही से ज्यादा है लेकिन क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ने पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा। ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। अच्छा, ये बात कहां से, दूरी वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया यार, देखो बात को समझो, लोग ऐसे ही बता देते हैं, ये दूरी वाला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कहां से आया, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री देखोगे, रियलिटी देखोगे, हिस्ट्री के साथ रियलिटी, रियल हिस्ट्री जब देखोगे तो क्या पता चलेगा कि न्यूटन ने कैपलस के लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़ा था। तो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कैपलर के पढ़ने की वजह से उनके दिमाग में ख्याल आया कि प्लेनेट कैसे मूव कर रहे हैं,
तो फिर ये क्यों मूव कर रहे हैं, उसको क्यों का आंसर देने के लिए उन्होंने देखा कि केपलर के थर्ड लॉ यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो हम पढ़ चुके हैं, वो उसने देखा कि ये चीज भाई डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो फोर्स होगा अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वो कम होता जाएगा। जो मैं आपको दिखाऊंगा कि केपलर थर्ड लॉ से ये जो है कॉन्सेप्ट आया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये जो फोर्स, जो मास है, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो न्यूटन ने ओवरऑल ये समझा कि भाई दुनिया का कोई भी मैटर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुनिया का कोई भी मैटर हो, वो आपस में उनके अंदर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने यही समझा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एनी मैटर विच एग्जिस्ट हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम टुवर्ड्स देयर सेंटर्स। तो उन्होंने यही देखा भाई दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ले लो, उनके सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एक दूसरे की तरफ एक फोर्स लगता है। सेंटर वन सेंटर टू ले लिया जाए, एक फोर्स लगता है, अगर मान लो इनकी दूरी, मान लो डिस्टेंस डी ले ली जाए, कोई आर लेता है कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके बीच में इनके मास की वजह से, मास वन और मास टू, इनके बीच में एक फोर्स लगता है और उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन सा फोर्स होता है भाई, अट्रैक्शन फोर्स होता है। चाहे मार्कर ले लो, मेरा हाथ ले लो, इनके बीच में क्या है भाई, एक फोर्स लग रहा है। सवाल यह कि ये फिर इधर चले क्यों नहीं जा रहे, खिंच क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन द यूनिवर्स है। इससे कोई वीकेस्ट फोर्स दुनिया में कोई नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही होता, सब कुछ चिपक जाता, चलते चलते रहते कोई चीज चिपक जाता, कोई इधर चिपकता, ठीक है। तो थैंक्स टू गॉड ये वीकेस्ट फोर्स है, उसकी वजह से ये जो है कोई भी छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन अर्थ को देखो ना, अर्थ का मास ज्यादा है, तो कैसे भाई एप्पल को कैसे अट्रैक्ट कर लिया। मैं एप्पल की बात क्यों कर रहा हूं, न्यूटन को जो बेचारे को बदनाम करके रखे एप्पल के नाम पर, ठीक है। तो किसी भी चीज को अर्थ खींच ले रही है नजदीक से, उसका वजह क्या है, उसका मास ज्यादा है इसके लिए खींच ले रहा है। मून पर जाओगे, मून खींचता रहेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, तो न्यूटन ने बोला कि दुनिया में कोई भी दो चीजें हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो न्यूटन ने यह दिया भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली मतलब क्या होता है, मैंने बताया है एग्जांपल, डायरेक्टली मतलब वही चीज कि मां बाप और बेटा, तो अगर वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेटे को तकलीफ तो मां को तकलीफ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन दुश्मन, एक को खुशी दूसरे को गम, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को खुशी एक को गम, एक को फायदा एक को नुकसान, और डायरेक्टली मतलब क्या, दोनों को फायदा, तो एक को फायदा तो दूसरे को फायदा, एक को नुकसान तो दूसरे को नुकसान। तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिजिक्स में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जाता है भाई, कि अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा। मतलब क्या, दो मासेस का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक 2 किलो का मास है, एक 10 किलो का मास है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 20। तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। मास छोटा कर दोगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मास है और एक छोटा मास है, तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो अर्थ ले लिया जाए, यहां पे अर्थ है और यहां पे आपका एप्पल ले लो भाई, एप्पल या एप्पल वाला चीजें ना छोड़ो अभी तक, ठीक है। तो यहां से देखो, सेंटर से अर्थ के रेडियस, ये सेंटर है हमारा और ये एप्पल का सेंटर, इनके बीच में क्या है, आपस में फोर्स लगेगा। सवाल ये है, जिसके पास मैसिव जो है मास ज्यादा होगा, उसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ही होगा, तो इसको खींच लेगा, ठीक है, ये भी बात है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको ये बात को पहले गैलीलियो ने बताया कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट क्यों साथ में गिरते हैं, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, हैवी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और लाइटर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स कम लग रहा है, इसलिए क्या है, दोनों बराबर एक्सेलरेशन से चलते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए वही सेम चीज, यानी एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जी से मैंने ले दिया ग्रेविटेशनल फोर्स,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ एप्पल, ठीक है कुछ भी ले लो, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एप्पल ले लो भाई, तो वही बात है यार, कुछ भी बोलो, समझ में आया बात को समझो। यहां पे मैंने ये लिखा है उसका भी कुछ वजह है, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आप हमेशा यही चीज ऑब्जर्व करते रहते हो। ये चीज तो हो गया, दुनिया का कोई भी चीज कहीं भी ले लो, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा उनके सेंटर बाय सेंटर, ठीक है। तो ये हम लोग न्यूटन ने पहली बात बोला, वो कहां से, गैलीलियो गैलीली से ये बात उठाया, और कैपलर ने भी कुछ मदद किया, तो ये बात भाई न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, इसका इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब बेटा एक बात बता दूं, यहीं पे मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, ये जो फोर्स है इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहां पर जो फोर्स है मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो देखो ये है ग्रेविटी। अब ये सब चीजों को लेकर यार बड़ा सा टॉपिक मत बनाया करो, ठीक है। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या फर्क है? चल भाई इसी वक्त देख ले, और क्या क्या खत्म। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कोई भी दुनिया का दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बट अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन होना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, और उसी को हम लोग भाई ग्रेविटेशनल पुल बोलेंगे, या हम लोग वेट बोल दो ना भाई। वेट हमारा, वेट किससे, वेट क्या है हमारा, मास का, अर्थ का जो पुल है, अर्थ का जो पुल है हमारे मास पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो ग्रेविटी बोलो, वेट बोलो एक बात है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, वो भाई क्या, दो कोई ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके मतलब ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा भाई, लेकिन स्पेशली इसका नाम ग्रेविटी दे दिया जाता है। तो जब ग्रेविटी दे देंगे तो समझ जाना कि वो अर्थ की बात कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है, इतना मेरे कहने का मकसद था। तो जब ग्रेविटी बोलेगा तो मास ऑफ अर्थ ले लेना, रेडियस ऑफ अर्थ ले लेना, बात को समझो यार, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो न्यूटन का ये फर्स्ट पहला स्टेटमेंट हुआ, बात को समझो, ऐसे लोग पढ़ ले रहे हैं बस, आप कितना पॉइंट मैंने दे दिया है, लिख लो कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू, अब लिखना है भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट देर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दो फोर्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट नंबर वन। दूसरा क्या है, बात को समझो, ये कभी भी ऐसा डिटेल में कोई बताने वाला नहीं, आपको रटा दिया जाता है। दूसरे के पीछे कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो ये मिटा दूं, इधर देख लो यार, दूसरे के पीछे कहानी क्या है, ये कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च करना। क्या होता है ना, लोगों को कुछ हिस्ट्री नहीं मालूम होता है, बस सिर्फ पढ़ाना होता है, पढ़ा दो निकल जाओ, कुछ वजह है। आपने दूसरा कहां से आया, ये गैलीलियो गैलीली के कॉन्सेप्ट से समझ लो ये बात निकाली गई है। दूसरा कहां से आया, दूसरा उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब दूरी बढ़ाओगे, मैंने बोला भाई कि ये जो सन है, जो सन है, सन की दूरी, सन क्यों नहीं अर्थ को अट्रैक्ट कर ले रहा है, क्योंकि सन और अर्थ की दूरी ज्यादा है, तो उसके मतलब उनके बीच में जो फोर्स होता होगा वो कम होता होगा। क्या सोचा न्यूटन ने, सोचा आज यही चीज का इस्तेमाल करके जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट जो इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग क्या है, जस्ट उड़ रहे हैं हवा में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जब दूरी बढ़ जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा अर्थ नहीं खींच पाएगी, अर्थ नहीं खींच पाएगी तो आप आराम से फ्लोट करोगे, तैरोगे, फ्लाई करोगे, नो प्रॉब्लम। तो ये न्यूटन ने ये चीज सोचा, लेकिन सोचा कहां से लाया, एविडेंस के साथ लाना पड़ेगा, तो वो कैपलर से आया है। कैपलर जो है थर्ड लॉ से ये बात आई है, मैं बताऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। बात को समझो यार, ये सब मालूम है, ये लिखना, स्टेटमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सब खिलवाड़ है। क्या बोला भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो इनवर्सली उल्टा, दुश्मन इसको उल्टा बोलेंगे, जो नीचे रहेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है, बात क्लियर हुआ। ये भाई इक्वेशन नंबर टू हो गया, न्यूटन ने यही बात बोला था, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
बस यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इनको ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसा दिख रहा है, इक्वेशन नंबर वन और टू, उनको मिला सकते हैं भाई, तो एक अलग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये अगर इनको मिला दिया जाए तो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले एम वन एम टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के। तो ये था न्यूटन ने दिया हुआ, सच्चाई बता रहा हूं, न्यूटन ने यही दिया और यही लगभग न्यूटन के 200 साल तक माना गया। उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का कॉन्सेप्ट आया। लोग कहां से बताते हैं भाई, बस इज इक्वल टू, ये हटाओ प्रोपोर्शनलिटी, जी आ जाएगा, कैपिटल जी, और उसको बोलते हैं दैट इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन सच्चाई समझो, ये क्यों आया है, क्यों कैसे आया है, बात को समझो। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी ये डायरेक्ट न्यूटन ने दिया था, सिंपल सी बात। अच्छा, न्यूटन के दिमाग में अगर देखा जाए, आपको भी ये बात समझ में आ रहा होगा, आपको भी एग्जैक्टली ये बात क्लियर हुआ कि न्यूटन के दिमाग में ऐसा क्यों आया कि डिस्टेंस बढ़ाने पर जो उसका अट्रैक्शन होगा कम होगा, क्योंकि देखा भाई कि सन जो है अर्थ को नहीं खींच रहा है, सन अर्थ को खींच नहीं रहा है, उसके मतलब दूरी बढ़ाने पर ये क्या है भाई, ये जो अट्रैक्शन वो कम हो जा रहा है। लेकिन ये लाया कहां से, वो कैपलस लॉ से लाया, मैं आपको समझाऊंगा। मैं इधर यही बताने वाला था भाई कि ये जो डी स्क्वायर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से आया, दूरी बढ़ाने वाला। अच्छा, कुछ लोग डी बोलते हैं, कुछ लोग आर बोलते हैं, उस पर डरना नहीं भाई। कुछ लोग इसी को आर बोल देते हैं, मान लो इसी को बोल देंगे भाई एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आपको डरना नहीं है, स्मॉल आर लिख देते हैं, कैपिटल आर लिख देते हैं, कोई भी आपको ऑब्जेक्शन इस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, अब मैं बताता हूं कि ये जो इनवर्सली ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखो, आपने पढ़ा है भाई कि फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा गोल गोल घूमेगा, कोई प्लेनेट गोल गोल घूमता है तो उसके लिए कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलना भाई, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर पढ़ा है ना। अभी तो देखो, आप जानते होंगे कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अच्छा, कोई सर्कल है गोल गोल घूमेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है सर्कल का, बताओ बेटा, सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, कोई भी चीज गोल गोल जो घूमती है तो उसका दूरी कितना होता है, ये दूरी कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, कैसे जाओगे मेजर करने से, क्या 2πr होता है बेटा, ये क्या होता है, किसी भी सर्कल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2πr। तो सर्कल की दूरी को डिस्टेंस 2πr ले लिया, और जो टाइम है उसको टाइम ले लिया, v इज इक्वल टू 2πr यहां पे रख दो। कॉन्सेप्ट कहां से आता है, ऐसे ऐसे नहीं है, सब चीजें यहां पे रख दो, 2πr डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर मैंने रख दिया, डिवाइड बाई t है, रख दिया ना भाई। अब यहां से देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, m ये 4πr स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई यहां पे t स्क्वायर, या क्या भाई, t स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पे क्या भाई, 2πr t मैंने रख दिया है v की जगह पर। अब आप देखो यहां पे, देखो यहां पर क्या, ऑलरेडी भाई t था, ऑलरेडी r था, सॉरी यहां पर क्या था भाई, r था, ये देखो r था। ठीक है, यहां पे देखो ये रख दिया मैंने, और यहां पे मैंने क्या लिखा, एम बी वी स्क्वायर के जगह पर रख दिया, और r नीचे था, r मैंने लिख दिया भाई, r भूल गया था। ओके, एक r कैंसिल हो गया। और आपने क्या देखा था, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या कैपलस सेकेंड लॉ, कैपलस थर्ड लॉ क्या पढ़ा है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ा है भाई, आर क्यूब, कुछ भी होगा लेकिन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर की जगह पर आर क्यूब लिख सकते हो, यहां पर लिख दो, आर क्यूब ऐसे लिखो चाहे आर क्यूब ऐसे लिखो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैंने पहले बोला। यहां पे आओ, यहां पे आर एक कार्य कट गया, यहां पे बचा m इंटू 4πr स्क्वायर इंटू यहां पे बचा बेटा r, और यहां t स्क्वायर की जगह पर r क्यूब लिख दूं मैं, तो जरा बताओ एक r कट जाएगा तो आपको देखो ये क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू मास 4πr स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर आएगा। अब देखो ये मास ऑफ अर्थ हो या 4 हो या पाई हो, ये सब कॉन्स्टेंट है, तो इसको कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं आप डायरेक्ट, कांस्टेंट को आप चाहो तो हटा दो ऐसे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, कोई भी कांस्टेंट ले लिया जाए, कोई भी कांस्टेंट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो क्या मिला आपको कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यहीं से ये निकला है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा। देखो डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन टू
ऑब्जेक्ट्स उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, कहां से कॉन्सेप्ट आता है? न्यूटन बहुत होशियार आदमी था यार, है कि नहीं? आप लोग तो डायरेक्ट यहीं से पढ़ लेते हो, तो आपको लगता है कि सारी चीजें न्यूटन ने एक क्यों दिया। अच्छा ये भी क्वेश्चन रहा होगा ना यार, ये डिस्टेंस के सर एक बात नहीं मेरे समझ में आ रहा है कि ठीक है जो ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, ये बात मेरे को समझ में आ रहा है, दूरी बढ़ाने पर वो कम होगा अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन स्क्वायर क्यों लिख रहे हो सर? तो स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, उसका जवाब आपके सामने आ गया। ये केपलर ने बताया था, पहले केपलर का कॉपी पेस्ट किया गया है और ये बताया गया है। अब बात आपको क्लियर हुई कि नहीं भाई कि ये केपलर से ही निकाला गया है? बताओ, तसल्ली हुआ? तो फिर मैं आगे इसको बढ़ाऊं तो बताओ यार, ये आगे बढ़ा दूं? F is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 / d स्क्वायर। अब आपको क्लियर हो गया? अब अगर यही अर्थ के लिए मैं बात करूंगा तो यही फॉर्मूला यार, यही ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, लेकिन इसका नाम ग्रेविटी हो जाएगा। ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई, इनके बीच में हम लोग क्या ले लेंगे? रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे। किसका रेडियस भाई? अर्थ का रेडियस। क्यों? क्योंकि अर्थ के रेडियस से अगर कोई एक किलोमीटर दूर भी हो तो 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है, तो एक किलोमीटर से क्या फर्क पड़ने वाला है? एक किलोमीटर हाइट से अगर कोई इंसान कोई चीज को गिरा रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो यहां पर हमने क्या कर लिया भाई, ये फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये ग्रेविटी रहेगा, मतलब अर्थ के रिलेटेड बातें करूंगा मैं, एप्पल को गिराऊंगा, बात को समझो। लेकिन जब ये फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ जाना कोई भी दुनिया का दो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये फॉर्मूला एक ही है, डरना नहीं है, बात को समझो, रियलिटी को जानो यार, ठीक है? तो अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा भाई कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये m e m o / r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाया जाएगा भाई, d ले लो, r ले लो, कोई ऑब्जेक्शन मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, इज इक्वल टू g m1 m2 / d स्क्वायर। अब चाहिए बोलो, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये अर्थ के लिए बोल रहा हूं, ये कोई भी दो प्लेनेट के लिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर आपको ये साफ साफ पता चला कि भाई ये, अब सवाल ये है कि ये सर जी कहां से आया? यही बात है, लोग क्या रट ले रहे हैं यार, ये कितना सेकंड में, अगर मैं बताना चाहता तो 5 मिनट का काम था, ये हो गया। लेकिन रियलिटी जानोगे तो फिर मजाक बन जाएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? तो रियलिटी ये क्या है भाई, ये 200 साल के बाद आया है। कितने साल बाद? 200 ईयर्स। सच्चाई ये, न्यूटन ने यही बताकर मर गया समझ लो, 200 साल तक यही लोग बोलते रहे, इक्वेशन कभी नहीं निकला। इक्वेशन कब बना? 200 साल बाद, जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश, क्या नाम था भाई? हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वैल्यू निकाला है, ये जी की वैल्यू निकाला, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हेनरी कैवेंडिश ने निकाला, ठीक है, न्यूटन ने नहीं निकाला है, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आया? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने ये फॉर्मूला फिर पूरा कंप्लीट किया, न्यूटन ने नहीं, पूरा इसको कंप्लीट किया है। बात को समझो, ऐसे रटकर सारी कहानी ना बता दिया करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी लेकिन रियलिटी क्या है इसके पीछे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो बताओ, अब मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हो, आपको समझ में आया ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये जी क्यों आया, समझ में आया, ये हिस्ट्री क्या है भाई इसके पीछे, यानी जो है कैपलर्स का क्या ताल्लुकात है भाई न्यूटन के लॉ से। अब एक जगह रिकैप करूं, मिटाऊं सब, क्या मिटाता हूं, ठीक है, अगर एक जगह मैं रिकैप करूंगा तो कितनी छोटी सी चीज ये बन जाएगी, क्या भाई? अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सेंटेंस में लिख देना, पहले क्या काम करोगे, ये बना लोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन, और इसी को सेंटेंस में लिख दो, और उसके बाद मैथमेटिकली लिख दो, फिर इसको सेंटेंस में लिख दो, इसको मैथमेटिकली लिख दो, उसके बाद दोनों को मिला दो, लिखोगे फ्रॉम वन एंड टू तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू m1 m2 / r स्क्वायर d स्क्वायर, कुछ भी ले लो, उसके बाद यहां पर g आ जाएगा m1 m2 / d स्क्वायर, और आपका काम हो जाएगा। लेकिन बात नहीं है सिर्फ इतना यार, बात सिर्फ इतनी में नहीं है, समझने की कोशिश करो ये रियलिटी क्या है। तो हो गया, इतने में तो काम हो गया, वेयर एफ जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी यूनिट क्या होगी भाई, न्यूटन, कोई भी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
एंड जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसको कहां से आया भाई, मैंने पहले बताया हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू निकाली, कितना निकाला 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी यूनिट, यूनिट मतलब किसमें मेजर करते हो, जैसे किसी मास को मेजर करते हो किलो में, किसी दूध को मेजर करोगे लीटर में, वैसे ये जी को किसमें मेजर करते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, इट नेवर बी चेंज, इट विल बी फिक्स्ड फॉर एवर, ठीक है, ये फिक्स्ड है कैपिटल जी, ये हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। और ये मास वन क्या है भाई, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। बताओ भाई क्लियर हो गया, तो बताओ आगे बढ़ू, क्लियर है ये बात, कोई डाउट है तो बता दो प्लीज, ये क्लियर है, ठीक है। और इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, अगर अर्थ की बात करने लगूं तो इसको हम लोग ग्रेविटी बोलेंगे, अर्थ की बात करूंगा तो ये रेडियस ऑफ अर्थ ले लूंगा और यहां पे मास ऑफ अर्थ ले लूंगा। अब सवाल ये सर रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, बेटा उसको भी हम बात करेंगे, सब डिटेल में बात करेंगे, टेंशन काहे को ले रहे हो, ठीक है। बोलो ये बात पूरी आपको क्लियर है कि नहीं भाई, ठीक है। और ये यूनिट अगर निकालना चाहो जी की भाई, तो बहुत आसानी से जी की यूनिट निकालने के लिए जी यहां पे बचा लो, तो एफ इधर है और डी स्क्वायर इधर आ जाएगा और एम वन और एम टू इधर आ जाएगा। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डी की यूनिट होती है मीटर, और स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, मास की यूनिट होती है केजी, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर, बेटा इसलिए लिखा हुआ है। बोलना भाई कोई टेंशन नहीं है यार, तो बता भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का ये क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया हो तो आगे नेक्स्ट बातें करो, ओके।